नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। लालू प्रसाद यादव से सिर्फ बिहार के बीजेपी नेता ही नहीं, बल्कि जो पूरे देश के बीजेपी लीडर्स हैं, नेता हैं, वो कितना प्यार करते हैं। हर बात में लालू प्रसाद यादव का वो रेफरेंस दे देते हैं। कहीं भी वो फंसते हैं, किसी विवाद में पड़ते हैं, तो सबसे पहला नाम उन्हें जो याद आता है वो लालू प्रसाद यादव का आता है। नया मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है। बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी पर एक तीखा बयान दे दिया था। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को चप्पल उठाने वाला बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, उनकी कोई औकात नहीं होती, बल्कि वे चप्पल उठाने वाली कौम है, वे लोग हमारी चप्पल उठाते हैं, ऐसा कहना था उमा भारती का। उमा भारती ने आगे कहा था कि आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अफसर होते हैं, वे नेता को घुमाते हैं? ऐसा नहीं है, हम उनको घुमाते हैं, वे हमारे पालतू होते हैं। तो इस तरीके से उमा भारती ने पूरे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक बड़ा विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद इस बयान को जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मुद्दा बना लिया था। यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी के खेमे ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां द्वारा इस मामले को तूल देने के बाद उन्होंने यानी उमा भारती ने अपनी सफाई पेश की है। उमा भारती ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स में उन्होंने ब्यूरोक्रेट से माफी मांगी है। वे लिखती है कि ब्यूरोक्रेसी पर बोली असंयत भाषा पर मैंने आत्मग्लानी का अनुभव किया है और उसे व्यक्त भी किया, लेकिन मेरे भाव बिल्कुल सही थे। मैं तो किसी को अपने पांव भी नहीं छूने देती, तो किसी से चप्पल उठवाने की बात कैसे कह सकती हूं। उमा भारती ने इस बहाने एक किस्सा बिसादा किया है और यह किस्सा जो है वो लालू प्रसाद यादव से संबंधित है। चलिए हम आपको बता देते हैं उमा भारती क्या किस्सा सुनाती हैं। ट्वीट के माध्यम से वो ये कहानी सुना रही हैं। वे लिखती हैं कि साल 2000 में जब मैं केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव जी के साथ मेरा पटना से बोध गया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा था। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बैठे हुए थे। लालू यादव ने मेरे ही सामने अपने पिकदान में पान को थूका और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमाकर उसे खिड़की के बगल में नीचे रखने को कहा था और उस अधिकारी ने ऐसा किया भी। उमा भारती ने आगे लिखा है यानी अगले ट्वीट में वो लिखती हैं कि इसलिए साल 2005 से 6 में जब मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया और बिहार के पिछड़ेपन के साथ मैंने पीक दान को भी मुद्दा बनाया और प्रशासनिक अधिकारी से ये अपील की कि आज आप इनका पीक दान उठाते हो, कल हमारा भी उठाना पड़ेगा, अपनी गरिमा को ध्यान में रखो, ताकि पीक दान की जगह फाइल और कलम दान से चलो। उन्होंने आगे लिखा है बिहार की सत्ता पलट गई, मैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद लौटी, मध्य प्रदेश में गौर जी मुख्यमंत्री थे लेकिन मेरे घर पर लगभग सभी अधिकारियों की भीड़ लगी रहती थी, इससे मुझे शर्मिंदगी होती थी, बिहार से आते ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, गौर जी भी हट गए, फिर तो मुझे मध्य प्रदेश में किसी रेस्ट हाउस में कमरा मिलना भी मुश्किल हो गया था, प्रशासनिक अधिकारी तो मेरे छाया से भी भागने लगे थे। उमा भारती के ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि यह निर्णय देश के सभी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स को करना होगा कि वो शासन के अधिकारी कर्मचारी एवं जनता के सेवक हैं, किसी राजनीतिक दल के घरेलू नौकर नहीं। यह जुमला अफसरशाही देश नहीं चलने देती, कई निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं के लिए रक्षा कवच का काम करता है। तो यह सभी ट्वीट्स उमा भारती लगातार कर रही हैं और इन ट्वीट्स के माध्यम से वो ये संदेश देना चाहती हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ने नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स को गाली दिया था, उनका अपमान किया था, उनके इज्जत के साथ खेला था, ऐसा बीजेपी नहीं करती है। और खासकर उमा भारती साफ कह रही हैं कि जब वो अपना पैर किसी को नहीं छूने देती तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट से वो चप्पल कैसे उठवा सकती हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार उमा भारती को लालू प्रसाद यादव की याद इस समय क्यों आई जब वो खुद ब्यूरोक्रेट्स के मामले पर विवादित बयान देकर फंस रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ये खबर अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।